हेलो स्टूडेंट्स सो आम रजनीश कुमार आम रजनीश कुमार आम वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन एफ फार्मेसी इंस्टीट्यूट आई हम हेयर अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्बिटल पिक्चर्स ऑफ द बेंजिन एरोमेटिक करेक्टर्स एंड हकल सूल्स इन दिस लेक्चर ओके तो इससे पहले हम लोग जो है बेंजिन के बारे में बात कर चुके थे कैलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो गई थी जो ड्रॉबैक्स थी उनके बारे में हम बात कर चुके थे है ना तो ये सारी बातें हो गई थी अब थोड़ा सा और डीपली जाते हैं ठीक है तो हम यहाँ इस लेक्चर में फोकस करेंगे ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ़ द बेंजीन के ऊपर ठीक है कि ऑर्बिटल्स हम कैसे दिखती है तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि बेंजीन के अंदर छः कार्बन होते हैं और छः के छह कार्बन क्या हैं ये एसपी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बि एसपी टू हाइब्रिडाइज हैं एसपी टू हाइब्रिडाइज का मतलब बेंजीन का बेंजीन हैज द ट्राइगोन प्लेनर स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं अच्छा हर कार्बन के पास तीन एस पी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं जिसमें से दो एस पी टू हैब्रिडाइज ऑर्बिटल एडजस्टेंट कार्बन के एच पी टू हैब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ठीक ये सारी बातें हम बता चुके थे जस्ट आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू अगेन एक एस पी टू हैब्रिडाइज ऑर्बिटल रह जाता है कार्बन के पास है ना वो एस पी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड और बनाता है तो जो ईच कार्बन एट ऑफ द द रिंग फॉर्म

जो कि अपने पड़ोसी कार्बन के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं और कैसी ओवरलैपिंग कर रहे हैं ये लीनियर ओवरलैपिंग कर रहे हैं ये ओवरलैपिंग हो रही है गॉट इट दिस इज तो ये छह के छह कार्बन इसी तरह से बिहेव करेंगे और देख रहे हैं आप क्या बन रहा है सिग्मा बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड यहां पर एक बना एक ये दिशेस छह के छह कार्बन एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं टोटल जो है सिक्स सी सी बॉन्ड बन रहा है ठीक है सिक्स अगेन छ हाइड्रोजन इज ऑल सिक्स हाइड्रोजन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अगेन द एस ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन ओवरलैप विद द एस वन एस पी टू हैबिटाइज ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन ऑफ द बैंजिन अगेन इट इज ए लीनियर ओवरलैपिंग सो सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्स एज ए रिजल्ट ओके तो इतनी बात हो गई नौ अभी क्या रह गया तीन sp2 पी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो कंज्यूम हो गए ओवरलैपिंग में क्या बचा हमारे पास हमारे पास बचा एक पी ऑर्बिटल जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है ठीक है कार्बन के हर सॉरी बेंजीन के हर कार्बन के ऊपर एक पी ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कैसे आ, जो है ऑरियंटेशन उसका कैसा होता है देख रहे हैं आप हमने लास्ट टाइम भी बात की थी दिस इज द प्लेन ऑफ बेंजीन ठीक है लीनियर मॉलिक्यूल है लीनियर मॉलिक्यूल है ठीक है एंड दिस इज द परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल एज यू कैन सी लोभ देख रहे हैं एक ऊपर है एक नीचे मतलब एक जो है अबव द प्लेन है वन लोब ऑफ द पी ऑर्बिटल इज इज लोकेटेड एबव द प्लेन एंड अदर इज लोकेटेड बिलो द प्लेन ओके अच्छा ये पी ऑर्बिटल आपस में इतने क्लोज होते हैं दे कैन ओवरलैप ईच अदर ठीक है ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे को ये अब चूंकि लिनियर ओवरलैपिंग नहीं रही कैसी हो रही है लेटरली ओवरलैपिंग हो रही है तो लेटरल ओवरलैपिंग uh, जब भी होता है तो हमें क्या हमें पता है क्या होता है पाई बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड बनता है ठीक है कि नहीं तो डीज अनहाब्रिडाइज पी ऑर्बिटल विच आर क्लोज वेरी मच दे कैन ओवरलैप्ड ईच अदर लेटरली टू फॉर्म द पाई बॉन्ड ओके सो यू कैन जस्ट इमेजन हाउ द बेंजिन लुक्स लाइक नाउ आप चूंकि वहाँ पर हमें ये पता है बेंजिन में क्या है तीन डबल बाउंड हैं तीन डबल बाउंड ठीक तो तीन डबल बॉन्ड कैसे हो सकते हैं देखिए किस तरह से हो सकते हैं दो रास्ते हैं हमारे पास ठीक है सी वन का प्योर बिटल सी टू के प्योर बिटल के साथ ओवरलैप करें C3 का C4 में करें C5 का C6 के साथ करें मतलब जिसकी बात हम कर लें पहला रास्ता ये है ठीक है तो ये किया हमने यहाँ से शुरू किया यहाँ से शुरू किया इसको C1 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 और C2 की ओवरलैपिंग हो गई C3 और C4 की हो गई C5 और C6 की हो गई एक रास्ता ये है ओवरलैपिंग का दूसरा रास्ता क्या है देखिए C2 C3 की हुई C4 C5 की हुई सी सिक्स और सी वन की हुई तो दो तरह से ये पी ऑर्बिटल जो है ओवरलैप कर सकते हैं जिससे हमें तीन डबल बॉन्ड मिलते हैं ती बाई तीन बाई बॉन्ड मिलते हैं ठीक है अच्छा और यही वजह है क्योंकि दो तरह से ओवरलैपिंग हो सकती है इसीलिए डबल बॉन्ड जो है बेंजीन में वो अलग अलग तरह से हम देख सकते हैं तो यूनिटिंग जुनित, स्ट्रक्चर जो होते हैं बेंजीन के दो होते हैं ठीक है वो यहीं से मिलते हैं हमें पहला वाला देखिए यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है और इस वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है ओके ओके सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन माइग्रेट फ्रीली अराउंड द सिक्स कार्बन न्यूक्लियाई द न्यूक्लियाई ऑफ द कार्बन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द डे पाई इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड लोकलाइज बिटवीन द टू कार्बन एटम्स दे द स्ट्रक्सर ऑफ बेंजिन इज मोर स्टेबिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीलोकिलाइज बाई इलेक्ट्रॉन ओके नाओ अब हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं और डीपली जाने की है ना और थोड़ा सा हम डीपली जाते हैं कि वास्तव में और अंदर स्किन में होता कैसा ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस तरह से अरेंज रहते हैं इन मोलिकुलर इन मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर तो जो सिक्स पी ऑर्बिटल होते हैं सिक्स पी ऑर्बिटल ठीक है ये सिक्स पी ऑर्बिटल जो है सिक्स मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं ठीक है सिक्स मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एम ओ बोलते हैं ठीक सिक्स जो सिक्स मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं इसमें से तीन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं और तीन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं ठीक है तो जो हमें पता है सिक्स पी ऑर्बिटल हैं सिक्स पी ऑर्बिटल में छः इलेक्ट्रॉन हैं ध्यान देने वाली बात यह है कि छः के छः पाई इलेक्ट्रॉन छः के छः पाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है ठीक है तो हेयर यू कैन सी द ऑर्बिटल पिक्चर्स ऑफ द बेंजीन ओके सो यर हमने एनर्जी के रेफरेंस में इसको रखा है वी आर हैविंग सिक्स पी एटोमिक ऑर्बिटल्स विच फॉर्म्स सिक्स मोलिकुलर ऑर्बिटल ओके तो सिक्स मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन से हो गए तीन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हुए बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है इनको हमने बताया साई वन साई टू एंड साई थ्री ठीक है तीन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हुए एंटी मोलिक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हमेशा हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं इसको हमने दिखाया साई फोर एस्टिक्स साई फाइव एस्टिक्स एंड साई सिक्स एस्टिक्स ठीक है अच्छा हमें ये पता है जो मालिक जो ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होंगे वो डिजनरेट हो जाएंगे आपस में तो हम इस स्ट्रक्चर के यहाँ पर आते हैं हम यहाँ देखते हैं ठीक है यहाँ देखने की कोशिश करते हैं सो सिक्स पाई सॉरी सिक्स जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बिटल हैं हमारे नीचे वाले बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बिटल हैं ऊपर वाले चूँकि एनर्जी के रेफरेंस में हम लोग यहाँ पर इसको रख रहे हैं तो दीज आर दीज थ्री आर द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इसमें से भी जो पहला वाला है देखिए सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल वाला दिस इज साइ वन है ना यहाँ हम देख रहे हैं सारे के सारे सारे के सारे जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो सेम प्लेन में है ठीक है देख रहे हैं आप सेम फेज में हैं वैकेंट सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है सबके अंदर सारे ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक ही प्लेन में है ठीक है कि नहीं तो सबसे कम एनर्जी सबसे कम एनर्जी इसी मोलिकुलर ऑर्बिटल की होती है क्लियर है इसके अंदर कोई भी नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता फिर हम बात करते हैं साई टू और साई थ्री की मतलब इसके ऊपर जब हम एनर्जी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो हमको दो ऑर्बिटल मिलते हैं दो मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलते हैं जो कि बॉन्डिंग मॉलिकुल ऑर्बिटल होते हैं और इनका एनर्जी लेवल सेम होता है सेम ठीक है यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर एक नोडल प्लेन पॉसिबल है ठीक है कि नहीं देखिए अपोजिट साइड में एक ये ऐसे और दूसरा ऐसे क्लियर है कि नहीं तो दोनों जो हैं सेम एनर्जी के हैं सेम एनर्जी के हैं तो डिजनरेट रहेंगे ये लोग डिजनरेशन होगा ठीक है कि नहीं नोडल प्लेन मौजूद है सिंगल नोडल प्लेन मौजूद है तो दिस थ्री बिलोंग्स टू द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैविंग वेरी वेरी लोअर एनर्जी ठीक है वेरी मच स्टेबल ठीक और ये जो दो है ना साई टू और साई थ्री ये मिलके क्या बनाते हैं ये बनाते हैं होमो होमो को आप जानते हैं क्या हाइएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल ये दोनों मिलके बनाते हैं होमो ठीक है कि नहीं अच्छा अब इसके ऊपर की बात करते हैं तीन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गए और तीन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गए तो एंटी एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर में जाते हैं तो हम देखते हैं थोड़ा सा एनर्जी के हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो हमको दो मोलिकुलर ऑर्बिटल और मिलते हैं ठीक है ठीक साई फोर एस्टिक्स एंड साई फाइव एस्टिक्स ठीक यहाँ पर यहाँ पर दो नोडल प्लेन पॉसिबल है दो ठीक है कि नहीं एक ऐसे और एक ऐसे सेम चीज यहां पर भी आ जाएगी क्लियर है कि नहीं अगेन दिस टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम सेम एनर्जी सेम एनर्जी डी जनरेट हो जाएंगे डी जनरेट हो जाएंगे और ये क्या बनाएंगे ये बनाएंगे ये ये बनाएंगे लूमो। लूमो मीन्स लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ठीक है कि नहीं तो डिजनरेट होंगे दो नोडल प्लेन होंगे इसके बाद जब हम और ऊपर चलते हैं तो हमको सबसे हाईएस्ट एनर्जी का लेवल मिलता है मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलता है जो हम लोग बोलते हैं साइसिक्स एस्थिक इसके अंदर तीन तीन नोडल प्लेन मौजूद होते हैं तीन नोडल प्लेन मौजूद होते हैं ओके तो हमने यहाँ पर देखा ठीक है तीन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल किस तरह से होते हैं तीन एंटीबॉन्डिंग मोलिकल ऑर्बिटल किस तरह से होते हैं और फिर से हम दोहराते हैं इस चीज़ को जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं पी ऑर्बिटल में सिक्स के सिक्स पाई और पाई इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही रहेंगे ठीक है कि नहीं बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट रहेगा क्लियर हुआ बात ओके okay. नाव कम टू द दिस इज ऑल अबाउट द मॉरिकुलर ऑर्बिटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंजिन क्लियर है नाओ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ठीक है तो हमने अब तक देखा हमने बेंजिन के स्ट्रक्चर की बात कर ली हैलकुलर के स्ट्रक्चर के की बात की थी पहले लेक्चर में इससे है ना ड्रॉबैक्स जो थे, थे उसकी बात भी की थी ठीक है हाइट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रेजिनेस किस तरह से होता था, था उसकी बात भी की थी और हमने मोरिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर भी बेंजिन की यहाँ पर देखी अब आते हैं हम लोग एरोमेटिसिटी में ठीक है नेक्स्ट पॉइंट विच विल बी डिस्कस इस एरोमेटिसिटी एरोसिटी क्या होता है एरोमेटिक करेक्टर क्या होता है कौन कौन से कंपाउंड जो हैं वो एरोमेटिसिटी शो कर सकते हैं एरोमेटिक करेक्टर रखते हैं तो एक साहब थे एक साइंटिस्ट साहब थे हकल साहब नाम था उनका ठीक है कि नहीं इरक हकल नाम था उनका उन्नीस में उन्होंने एक नियम दिया जिसको हम लोग हकल्स यूल के नाम से जानते हैं हकल रूल से आखिर फोर एन प्लस टू पायरूल भी इसको बोलते हैं ठीक है तो उन्होंने कहा साहब कि किसी भी कंपाउंड्स के एरोमेटिक होने के लिए चार बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए उसके अंदर ठीक है कौन कौन सी द फर्स्ट कंडीशन इज इट शुड बी साइक्लिक कंपाउंड शुड बी साइक्लिक अगर वो साइक्लिक नहीं है इट विल नेवर बी एरोमेटिक ओके द सेकेंड कंडीशन ही हैज़ पुट इज द कंपाउंड मस्ट हैव कंप्लीट कॉन्जुगेशन ठीक है जो कंपाउंड होना चाहिए वो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए वेन आई एम यूजिंग द वर्ड कंप्लीट कॉन्जुगेशन इसका मतलब है कम पूरी रिंग के अंदर जैसे हम बेंजिन की बात यहाँ पर करें तो हम देख रहे हैं क्या सिग्मा बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है है ना सिग्मा बॉन्ड फिर, 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 फिर पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड तो पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है कंप्लीट कॉन्जुगेशन सिस्टम है बेंजिन का तो इसके अलावा अगर सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है तो डन एक कंडीशन ही हो गई अगर लोन पेयर भी प्रेजेंट है तब भी वहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा सपोज करो कहीं पर पाई बॉन्ड है फिर सिग्मा बॉन्ड है फिर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर कैन ऑल्सो बी टेक पार्ट इन द कॉन्जुगेशन इसके अलावा अगर कहीं पर सिग्मा बॉन्ड है सॉरी पाई बॉन्ड है फिर सिग्मा बॉन्ड है और कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है या पी ऑर्बिटल है ठीक है कि नहीं तो अगेन इट कैन ऑल्सो

अगर है ही मॉलिक्यूल तो कैसा स्ट्रक्चर होगा ट्राइकर प्लेनर होगा प्लेनर आता था वहाँ पर तो एसपी टू एप्रिडाइशन होना चाहिए प्लेनर मॉलिक्यूल होने के लिए ये तीन कंडीशन हो गई और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो है द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन एन का मतलब क्या हुआ एन कोच भी इंटीजर नंबर हो सकता है राइट फ्रॉम जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन ठीक है अच्छा किस तरह से हम इसको आ, आ, क्या कहते हैं अप्लाई करते हैं सब करें हम बेंजिन का एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है तो बेंजिन में क्या है देखिए कितने पाई बॉन्ड हैं वन टू थ्री एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दो तो, क्लियर हुआ तो टोटल कितने हो गए सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेंजिन के अंदर ठीक है हमने क्या किया हमने इसमें फोर एन प्लस टू टू सिक्स रख दिया ठीक है कि नहीं एन टू क्या आ गया एन एजल टू क्या हो गया सिक्स माइनस टू एन इजल टू फोर माइन फोर अपॉन फोर इजक्ल टू वन वन क्या है इंटीजर नंबर है इंटीजर नंबर है है कि नहीं है ना इंटीजर नंबर है और हम कह रहे हैं कि अगर इंटीजर नंबर निकल के आता है तो मॉलिक्यूल मस्ट बी मस्ट बी एरोमेटिक गॉट इट बहुत सिंपल सी बात है ना तो हम किसी भी आ, जो कंपाउंड है उसकी एरो चेक कर सकते हैं उसका एरोमेटिक आरोमेटिकेक्टर चेक कर सकते हैं हम बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा नाउ तो अकॉर्डिंग टू अब थोड़ी सी मोलिकोलो ऑर्बिटल पिक्चर की अगर हम बात कर लें हकल रूल के हकल रूल के रेफरेंस में तो अकॉर्डिंग टू हकल रूल ठीक है द कंपाउंड इज पर्टिकुलरली स्टेबल इफ ऑल ऑफ इट्स बॉन्डिंग मोलिकोर ऑर्बिटल इफ ऑल ऑफ इट्स बॉन्डिंग मॉलिकूल ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विथ पेयड इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अगर क्या कह रहे हैं अकल साहब अकल साहब कह रहे हैं कि मोलिक्यूल स्टेबल होगा जब इसके सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से फिल किए जाए पेयड इलेक्ट्रॉन से फिल किए जाए ठीक है कि नहीं विद एरोमेटिक कंपाउंड टू इलेक्ट्रॉन्स फिल द लोएस एनर्जी मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड द फोर इलेक्ट्रॉन फिल ई सब्सिक्वेंट एनर्जी लेवल

इन केस ऑफ बेंजीन नाउ दिस इज ऑल अबाउट बेजीन इस डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपको बताया दो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो तीन डबल बॉन्ड हो गए तो टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स फिल द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल एंड फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग फिल इन द सक्सेसिव एनर्जी लेवल तो हमने देखा था तीन बॉन्डिंग तीन जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सबसे नीचे वाला है जो था साई वन है ना उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उसके ऊपर वाले साई टू और साई थ्री में भी पेड इलेक्ट्रॉन्स थे ठीक है कि नहीं तो दो प्लस चार है ना टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हो जाते थे बॉन्डिंग ऑर्बिटल फेल हो जाता था नोटिस हाउ ऑल ऑफ इट्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर फिल्ड बट नन ऑफ आंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैव एनी इलेक्ट्रॉन्स हम वापस भी अगर जाएँ तो हम दोबारा वहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जाके छः के छः छे हैं छः के छः किस छेक, में भरे हुए हैं देखिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसमें दो इलेक्ट्रॉन छः के छः यहाँ भरे हुए हैं एंटी बॉन्डिंग वाला जो हमारे ऑर्बिटल है वो सारे के सारे खाली हैं ठीक है नाउ अगेन द सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द बेंजीन इज देयर है ना तीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और तीन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देखिए ये जो दो सेम आ, दो जो आ, सेम एनर्जी के लेवल थे साई टू और साई थ्री इसमें पेयड इलेक्ट्रॉन्स हैं साई वन जो जोस्तुवेस्ट पॉसिबल मोलिकुलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल था उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे वहाँ पर होमो बना दे रहे थे यहाँ आ जाइए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सारे के सारे वैकेंट हैं है, है कि नहीं अनऑक्युपाइड है और ये दोनों ये भी क्या है सेम एनर्जी के थे साइट फोर और साइट फाइव ये क्या बना दे रहे थे लूमो बना दे रहे थे तो वही चीज़ें हैं पुरानी है ना दोबारा आपको यहाँ पे हमने दिखा दी हैं नाउ कम टू द नेक्स्ट रिपीटिंग द नेक्स्ट टॉपिक विल बी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स तो अभी तक हमने देखा कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते थे बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता था क्या क्या ड्रॉबैक्स थी ठीक है हकल रूल क्या था ये सब हमने बातें कर ली स्टेबिलिटी के बारे में भी हमने स्टेबिलिटी के बारे में, बारे में बात किया तो एरोमेटिक aromatic, एरोमेटिसिटी uh, की बात हुई हमारे पास क्या क्या कंडीशन थी नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ठीक तो अगेन uh, क्या कंडीशन है देखिए पहली कंडीशन साइक् फॉर बींग ए मोलिक्यूल टू बी एंटी एरोटिक इट मस्ट बी साइक्लिक दूसरी कंडीशन की बात करें इट मस्ट हैटेड सिस्टम एज लाइक इन बेनजीन है ना एरोमेटिक कंपाउंड की जो हम बात कर रहे थे तीसरी बात करें प्लेनर मॉलिक्यूल तो ये तीनों कंडीशन जो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंडीशन जरूरी थी वही कंडीशंस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए भी ज़रूरी है यहाँ तक मैच करता है ठीक है कि नहीं अब हम चौथी के पास आए चौथी कंडीशन की बात आए तो देखिए यहाँ पर बदल गया एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए होता था हमें फोर एन प्लस टू चाहिए होता था एंटी एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए हमको फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए द ओनली डिफरेंस इन द कंडीशंस इन बिटवीन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स इज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल क्लियर है एरोमेटिक के लिए फोर एन प्लस टू एंटी एरोमेटिक के लिए फोर एन और एन क्या है वन टू थ्री फोर इंटीजर नंबर ही है लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है हमने यहाँ से ज़ीरो हटा दिया है ज़ीरो क्यों हटा दिया है अगर जीरो से मल्टीप्लाई फ़ोर का करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा है ना तो कभी वो एक्सेप्टेबल नहीं है हमें तो हमने ज़ीरो हटा दिया है ठीक तो आप देख सकते हैं अगर हम वन रखते हैं तो वन इंटू फोर फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स दो रख दिया तो एट पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड उसको थ्री रख दिया तो बारह बारह ऐसे करके जो है बारह सोलह चार चार के रेफरेंस में हमारे जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं तो कहीं पर पाई इलेक्ट्रॉन्स चार आए आठ आए बारह आए सोलह आए ठीक है तो पहली जो हमारा इम्पैक्ट आएगा माइंड में यही आएगा कि दिस दिस कंपाउंड्स कैन बी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स ओके अच्छा एक चीज़ जो मैं आपको बोला नहीं पीपीटी में तो थी एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे थे तो लास्ट पॉइंट जो था वहाँ पर था मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स भाई एरो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक है जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड्स ही होंगे जितने भी अल्किन अल्काइन और ये सारी चीज़ें हैं ना इनकी इनकी स्टेबिलिटी का कुछ तोड़ नहीं है एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर हम जब बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की तो दीज आर द लीस्ट स्टेबल कंपाउंड्स इन द केमिस्ट्री ओके एरोमेटिक कम्पाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल मोस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक कम्पाउंड्स लीस स्टेबल ओके एग्जाम्पल्स की बात करें तो विल वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोब्यूटा डाइन और वी कैन से साइक्लोब्यूटा वन थ्री डाइन तो इट इज़ हैविंग टू टू पाई पाईबोंड टू पाईबॉन्ड्स का मतलब टोटल फोर पाईलैक्ट्रॉन्स ठीक है कि नहीं हमने क्या रखा फोर एन इस्क्वल टू फोर एन स्क्वल टू कितना गया वन वन इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ठीक नाउ द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंपाउंड आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ठीक है तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं वाट आर द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स द कंपाउंड्स विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोटिक्स ठीक है तो जो एरोमेटिक भी नहीं होंगे जो एंटी एरोमेटिक भी नहीं होंगे वो क्या होंगे वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंडस होंगे फॉर एग्जाम्पल इससे साइकिलिक भी हो सकते हैं नॉन साइकिलिक भी हो सकते हैं साइक्लिक भी हो सकते हैं ठीक है लाइक मिथाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं नॉन एरोटिक कंपाउंड्स है ठीक है कोई पाइपाउंड्स कोई पाईपाउंड पाई प्रेजेंट नहीं है कोई साइकिलिक स्ट्रक्चर नहीं है ठीक है कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है मिथेन की बात कर ले रहे हैं अगेन इट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इसकी बात कर लें अगर हम है ना प्रोपीन तो है तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम एरोमेटिसिटी देखेंगे तो नहीं बैठेगा उसके अंदर एंटी एरोमेटिक देखेंगे तब भी नहीं बैठेगा तो इट इज अगेन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स अगेन वन थ्री एल्कि की बात डाई एल्कीन की बात कर रहे हैं हम लोग तो इट इज अगेन नॉट बिलोंग टू एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एंटी एरोटिक कंपाउंड इट इज अंग इन नॉन एरोटिक कंपाउंडस तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड आर द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन दर्गेनिक केमिस्ट्री दैन एंटी एरोगेनिक कंपाउंड लीस स्टेबिल तो इस्टेबिलिटी ऑफ नॉन एरोटिक कंपाउंडस लाइज इन बिटवीन दिस टू कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड्स इन बिटवीन द मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक उसके बाद नॉन एरोमेटिक और उसके बाद एंटी एरोटिक ओके ना तो विल डिस्कस एग्जाम्पल्स हूँ जो भी हमने अभी बताया जो भी कंडीशंस बताई उस uh, उस उसको तथ्य मान के हम लोग हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ डिस्कस करते हैं ठीक है जिससे आपके अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी तो फर्स्ट विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ फिनॉल फिनॉल ठीक है कि नहीं देखो एक चीज ध्यान रखना है रिंग के बाहर क्या चीज़ें हमें उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है ओएच OH है सी एल है फलाना एडिम का हमें कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ रिंग से मतलब है ठीक है विल ऑलवेज़ टेक केयर फॉर द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन द रिंग ठीक है तो अभी हम क्या कर रहे हैं हम फिनॉल का स्ट्रक्चर ले, ले लेते हैं यहाँ पर हम देखेंगे फिनॉल फिनॉल एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा एंटी एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा तो अगेन हम रिंग की बात करेंगे जैसे मैंने कहा तो बैंजिन रिंग है इट इज़ हैविंग थ्री पाई बॉन्ड मीन्स तीन कितने हो गए तीन पाई बॉन्ड का मतलब छ पाई छ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर है ना बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो पहली कंडीशन थी कि मोलिक्यूल मस्ट भी साइक्लिक साइक्लिक हो गया ठीक अगेन हम देख रहे हैं पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बॉन, बॉन। फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ठीक है दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई फिर प्लेनर है कि नहीं है देखो प्लेनर होने के लिए हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि एच पी टू हैब्रिडाइशन अगर वहाँ पर है तो मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर ठीक है इसके अलावा फिर इसका कोई और उपाय नहीं है आपको किताबों में ही जाना पड़ेगा मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं देखने के लिए तो यहाँ में पता है बेंजीनरिंग है बेंजीनरिंग में एच पी टू हैब्रिडाइज कार्बन है तो ये प्लेनर ही होगी तो तीसरी वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई अब हम आते हैं चौथी कंडीशन में जहाँ पर हम देखते हैं हकल र्यूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा तो फोर एन प्लस टू र्यूल के हिसाब से छः पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं एन इज्क्ल टू कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा बोलो भाई अच्छा वन ठीक है फोर एन प्लस तू टू इजक्वल टू सिक्स फोर एन इजक्वल टू फोर ठीक है तो एन क्या आ गया वन आ गया इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स साबित हो गया है ना प्रूफ हो गया इसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज देखिए दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है कार्बन के ऊपर है ना तो पहली कंडीशन की बात करें तो साइक्लिक है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है हमने पहले भी कहा था नेगेटिव चार्ज को भी हम लोग कंसिडर करते हैं कॉन्जुगेशन के अंदर बिकॉज इट कैन टेक पार्ट्स इन द कॉन्जुगेशन प्लेनर मॉलिक्यूल है एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन होगा चूंकि डबल बॉन्ड है तो प्लेनर होगा अगेन दो और दो और आ, चार और दो छ छ छः पा इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब एरोमेटिक होगा गॉट इट फिर हम तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो तीसरा स्ट्रक्चर देखिए साइक्लिक है नॉन कॉन्जुगेटेड है कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन है सिगमा सिग्मा फे प्लस चार्ज है तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं होगा ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा एंटी एरोटिक के लिए देख लेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए फोर एन होने चाहिए फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए है ना ठीक है कि नहीं तो अगेन एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा ये क्या होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा ठीक फिर हम बात करते हैं तीसरे वाले की बात देखें साइक्लिक स्ट्रक्चर है, है कॉन्जुगेटेड है हाँ है प्लेनर है एच पी टू हेब्राइज कार्बन है टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं चार है नहीं तो चार हैं तो मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा गॉट इट फिर हमने ब्यूटाडाइन ले ली साइक्लिक स्ट्रक्चर है है कॉन्जुगेशन है बिल्कुल है है सिग्मा पाई सिग्मा पाई ठीक है कि नहीं यहाँ पर भी आप देखते थे तो पाई सिग्मा पाई सिग्मा प्लस पॉइंट फिर सिग्मा ठीक है कि नहीं तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम मौजूद है प्लेनर मॉलिक्यूल है क्योंकि sp2 पी टू हैब्रीटाइज कार्बन है और टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं फोर क्लियर है जैसे ही फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए चारों कंडीशन अप्लाई किया हमने देखा कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तीसरा अगले के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए इंपॉर्टेंट है है ना फोर मेंबर कार्बन फोर मेंबर रिंग है वहाँ पर है ना तो साइक्लिक है है कॉन्जुगेशन है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज फिर सिग्मा बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन है प्लेनर है एसपी टू हैब्रिटाइज कार्बन है टू पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ ठीक है कि नहीं अगेन फोर एन प्लस टू पाई रूल लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हकल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो हमारा ये क्लास में हम लोगों ने देखा कि बैनजिंग का ऑर्बिटल पिक्चर कैसे होती है कैसे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं एनर्जी लेवल क्या होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें किस तरह से अरेंज होते हैं और हमने देखा कि एरोमेटिसिटी किस तरह से होती है एरोमेटिक करेक्टर किस तरह से होता है हकल रूल क्या होता है कब कंपाउंड एरोमेटिक होगा क्या क्या कंडीशनस होंगी कब कब कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक होगा क्या कंडीशन्स होंगी और नैन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे इसके बाद इन तीनों की रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसी होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे बेंजीन की रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर रोकते हैं सो थैंक यू थैंक यू सो मच